नमस्कार टॉप 5.5 को स्वागत। संपूर्ण खबर पर नजर पकाइबा। स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल हेबो वंदे उत्कल जननी 4.5 कोटी ओडियांको हृदय संगीत। वंदे उत्कल जननी माध्यमिक स्तर में स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल करने को मुख्यमंत्री निर्देश देते। मुख्यमंत्री अनुमोदन क्रमे आज इस संक्रांत में सरकारी विज्ञप्ति प्रकाश होई। नवम एवं दशम श्रेणी पाठ पढ़ुवा छात्र छात्री माने कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्रंकर कालजयी कृति पढ़िबार सुजोग पाइबे। सूचना योग्य जे निकट रे राज्य सरकार वंदे उत्कल जननी संगीत को राज्य संगीत रो मान्यता प्रदान करिछंती। गौरव मंडित उत्कल जननी को जयगान करुथुबा एही महान संगीत छात्र छात्री मानंक मध्यरे ओडिया जातीयतार भाव को सुदृढ़ करिबा सहित ओडिया जातिर महानता सह परिचित कराइबार सफल हेबो बोली मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक कहिछंती। गत मे 30 तारीख रे सारा राज्य तथा सारा विश्वर कोण अनुकोण रे थिबा ओडिया भाई भौनी माने एही संगीत को एक समय रे गान करी एक भावमय परिवेश सृष्टि करथिले। कालजयी देशात्मबोधक संगीत वंदे उत्कल जननी जहाँकि राज्य संगीत रो मान्यता पाई ओडिशार राज्य संगीत हिसाब से गत जून 7 तारीख थर क्या राज्य सरकार ताको विधिवत भाव आईनगत भाव मान्यता प्रदान करते घोषणा कर संगीत को स्कूल कॉलेज पाठ्यक्रम स्थानित पाने जातीयता बोध का उग्र उत्कलीय मनोभाव सृष्टि करने मातृभूमि मातृभाषा प्रति प्रचंड ममत्वबोध सृष्टि करिवारे ये विशेष सहायक हम। अन्य पक्षरे सूचना लोकसंपर्क विभाग को मध्य दायित्व अर्पण करा जाइतला अत्यंत गुरुत्वपूर्ण दायित्व बा गुरु दायित्व ई संगीतर वंदे उत्कल जननी संगीतर चूड़ांत रूपरेख राज्य संगीत पाई कौन हम ताधिवत भाव स्थिर करने जदिओ राज्य सरकार सरकारी मान्यता प्रदान करते वंदे उत्कल जननी को राज्य संगीत हिसाब से किंतु स्कूल कॉलेज पाठ्यक्रम स्थानित हो नथिला। वर्तमान मुख्यमंत्री ताको स्कूल कॉलेज पाठ्यक्रम स्थानित करने अनुमोदन करने फल सरकारी विज्ञप्ति प्रकाश पाई से विषय में ये निश्चित भाव आज प्रत्येक ओडिया एक ऐतिहासिक स्मरणीय दिवस। इस संपर्क में अधिक आलोचना करने भाषाविद श्रीयुक्त शंकर परिडा अच्छा आम सहित जोड़ी होती फोन लाइन रे। श्रीयुक्त शंकर परिडा आपको न्यूज 18 ओडिया को स्वागत। प्रथम राज्य संगीतर मान्यता आउ एबे पाठ्यक्रम में सामिल करने वर्तमान मुख्यमंत्री निजे केमती देखुं परवर्त समय ओडियार गौरव को केते दूर यह सुदृढ़ कर ओडिशा सरकार जातीय संगीत मान्यता करी ओडिया भाषा साहित्यर गौरवोज्वल अध्याय को स्वीकार करिसेंति। वंदे उत्कल जननी पाठ्यक्रम संयुक्त होला परे निश्चित भावे यह पाठ्य खसड़ा अंतर्भुक्त होवा सहित छात्र मानू बहु भाव अनुप्राणित कर स्पर्धा स्वाभिमान ऐतिह संस्कृति परंपरार एक निरा दस्तावेज आम भाषा साहित्यर गौरव परंपरा कहले अत्युक्ति हम नहीं। निश्चित भाव शुक्त परिडा जदिओ नवम एवं दशम ए दुईट श्रेणी पिलामानंकर पाठ्यक्रम रे एही वंदे उत्कल जननी को वर्तमान सामिल करपत्ति निष्पत्ति को आपड़ केमती देखुं किभली भाव में यह सामिल कौन तार रूपरेख रही पाठ्य खसड़े निष्पत्ति को सर्वत भाव स्वागत करेक पाठ्य खसड़े अनेक देशात्मबोधक लेखा संयुक्त हो पारा ताकि आपणकर पाठ्य खसड़ा तैयारी बेले आम जथेष भाव दृष्टि निक्षेप करूना आम सौभाग्य भारत बर्षर शिक्षा नीति शिक्षा व्यवस्था जे प्रणयन कर सर्वोच्च कर्ता जी डायरेक्टर एनसीईआरटी
से जो हूँ आम प्रथम ओडिया जी डॉक्टर हृषिकेश सेनापति जी एनसीईआरटी डायरेक्टर भाव अवस्थापित होती ये जो अंत माध्यमिक शिक्षार जो पाठ्य घोषणा प्रस्तुत करा समग्र भारतवर्ष से दायित्व निर्वाह कर न्याय से आमर ओडिशारे भी ओडिशार अंत सरकार आमर शिक्षाविद मैंने जो मान से गोटे दृष्टि दे पारे आम गोटे आम शैक्षिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने शैक्षिक व्यवस्था को शक्तिशा भाषा सहित साहित्य सहित संस्कृति सहित ऐतिह्य सहित परस्पर सहित जोड़ी देवाई आमर जो कार्यक्रम आरंभ हवा कथा सरकारी स्तर में रोनी बेसरकारी स्तर में रोनी आमर बुद्धिजीवी स्तर में रोनी कौन स्तर में रोनी आम समस्त आम शैक्षिक मैंने शैक्षिक व्यवस्था क्रमश नई जाऊँगी बांगि पड़ी कहले अत्युक्ति हमने कहले अत्युक्ति हमने आम व्यवस्था को सुदृढ़ शक्तिशा करने आम व्यवस्था को शक्तिशा और सुदृढ़ करने आम शैक्षिक व्यवस्था को मजबूत करा पड़ो आम शैक्षिक व्यवस्था को आम सांस्कृतिक आम ऐतिह्य को आम परंपरा को शिक्षा व्यवस्था सहित जोड़ देवाक पड़ो कितु आम से कथा को ठीक ढंग से कराई पारिना से दिगरे गोटे नुआ पदक्षेप वर्तमान मुख्यमंत्री नहीं पाठ्यक्रम सामिल करने धन्यवाद भाषाभित जोड़ी होते आम सहित सुक्त शंकर परिडा सविशेष आलोचना करुते धन्यवाद सुक्त शंकर परिडा सविशेष आलोचना परवर्त खबर पर नजर पक एथर जो चाहिए चाषी निजर धान बिक्री करें चलित बर्ष चाषी को बिक्री अधिकार दिया सूचना देखते जोगाण निगम एमडी राज्य में धान संग्रह नीति अनुसार जलसेचित जमीन एकर पिछा 19 क्विंटाल संग्रह होपर अणजलसेचित जमीर संग्रह हो 13 क्विंटाल धान एने सूचना देखते जोगाण विभाग एमडी कहते कि जड़े चाषी जदि निज व्यवहार पर धान रखी कम धान देवे किंवा बाहर बिक्री करे कौन रोक ना चाषी को निजस्व बिक्री अधिकार दिखाई एवर्ष पंजीकृत चाषी हिसाब से 71 लाख मेट्रिक टन धान संग्रह लक्ष्य रखिंट राज्य सरकार तेरे लक्ष्य अनुसार धान आसे ना जदि टार्गेट ठार् अधिक धान आसे ताहले अधिक धान किणवाई जोगाण मंत्री निष्पत्ति जो मंडी में चाषी पंजीकरण करठार ही धान बिक्री कर कारण सेठारे ही से टोकन पाई नुआ धान संग्रह नीति अनुसार एफएक्यू धान पाई एमएसपी 1868 टंका रही हमें मैक्सिमम लिमिटा देजु जे आपन को जमी एति से अनुसार एति बिक परिवे सी जदि तार अधा बिके कि कमई देवे से आम कि आम मन करूँ जन को 100 क्विंटाल परमिशन देजु सी जदि 70 क्विंटाल बिके आमर तो किसी कहार ना से अपर लिमिटा एक्सीड करना किंतु लोअर लिमिट तांको इच्छा अनुसार से माने स्वाधीन भाव में मंडी में धान दे पारे जदि भी 71 लाख मेट्रिक टन उपरे अधिक धान आसीबो ताहले आमर पॉलिसी अनुसार सरकार निष्पत्ति अनुसार आम माननीय मंत्री खाद्य जोगाण कंज्यूमर वेलफेयर से सीए निष्पत्ति नहीं पारे अधिका चाष अधिका धान किणवाई आम से अनुसार जो भी रजिस्ट्रेशन करेंटी कहीं टोकनटा से मिल जो रजिस्ट्रेशन करते टोकन से मिल संपर्क अधिक सूचना फोन लाइन जोड़ी होती आम प्रतिनिधि अजेश मलिक अजेश धान किणा बिकार स्वच्छता आने प्रथम टोकन व्यवस्था कोणागला वर्तमान आउ गोटे जोगाण विभाग आउ गोटे आगे गोटे पदक्षेप निधान जो बिक्री करेंगे चाषी जो चाहिए से धान बिक्री करेंगे ए दिगरे के देखुं पदक्षेप कौन अपडेट सूचना रही है बाबद निश्चित देखो जेहेतु धान चलित बर्ष जो धान प्रोक्योरमेंट हम से विशेष कर देखाई गत वर्ष जो टोकन व्यवस्था करा पश्चिम ओडिशा विशेषकर जो चाषी असंतोष देखाई अनेक स्थान में चाषी ओल्लैकि विधानसभा हलुस्तुल होता चाषी प्रसंग को नहीं तेरे चलित बर्ष जहां किसी दोष त्रुटि रही है जहां कि सरकार को नजर को आसी ध्यान दिखाई और नूतन जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी अणाई से ही क्रम चलित बर्ष धान संग्रह कर विशेषकर देखो जो गुड़िक जलसेचित जमी गुड़िक रही से जलसेचित जमीर से एकर पिछा पाखापाखि 19 क्विंटाल धान संग्रह करेंगे सरकार और अण जलसेचित जमीर प्राय 13 क्विंटाल धान संग्रह करेंगे तेणु जदि कौन चाषी अधिक मान जदि से बड़का चाहिए जो धान रोचे अन्न स्थान में बिक्री करेंगे कितु आप देखो जदि जो टार्गेट रखा जाए प्राय 30 मेट्रिक टन धान संग्रह चलित बर्ष जदि अधिक हुए इतने एक क्षमता मंत्री को दिया जाए अर्थात मंत्री चाहिए 71 लाख मेट्रिक टन अधिक धान संग्रह करेंगे जदि मंत्री चाहिए मंत्री को क्षमता दिया जाए क्योंकि गोटे ट्रांसपेरेंसी आने देखो चलित बर्ष
ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କରାଯାଇଛି। ସାତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଟୋକନ ଦିଆଯିବ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ମେସେଜ ଯିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେମାନେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବିକିବେ, କେଉଁ ସମୟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ପଠାଇ ଦିଆଯିବ। ସେହି ଆଧାରରେ ସେମାନେ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଧାନ ବିକିବେ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଟାର୍ଗେଟ ରଖାଯାଇଛି, ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯୋଉଗୁଡିକ ରହିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲା ବିଶେଷ କରି ଅଧିକ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ହୁଏ, ଆପଣ ସମ୍ବଲପୁର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବରଗଡ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକ ଅଧିକ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ହିଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଲଗା ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଉ ଅଫଲାଇନ ବା ଅନଲାଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାମାନ୍ୟତଃ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ ନାହିଁ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଅଫଲାଇନରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, କିଭଳି ଭାବେ ସେମାନେ ଅଫଲାଇନରେ ସୁବିଧା ପାଇବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୋଉ ରହିଛି ଅଫିସ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଚଳିତ ବର୍ଷ କଥା ହଉଛି, ଯୋଉ ନୂଆ ଏମ୍ଏସ୍ପି ଦର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଧାନ ବିକ୍ରି ଏବଂ ଧାନ କିଣା ବିକାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ଏବଂ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଥିଲେ ଅଜେସ ମଲ୍ଲିକ, ସବିଶେଷ ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ଲାହୋରରୁ କଟଙ୍ଗ, ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ, 20 ବର୍ଷ ପରେ ଜନ୍ମ ମାଟିରେ ପାଦ ଦେଲେ ବିର୍ଜୁ। ପାକିସ୍ତାନ ଜେଲ୍ରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ବିର୍ଜୁ କୁଲୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୁତ୍ରା ବ୍ଲକରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ନିଜ ଗାଁ କଟଙ୍ଗ ଜାଙ୍ଗର ଟୋଲିରେ ନିଆଯାଇଛି। ବିର୍ଜୁଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ପରିବାର ଏବଂ ଗାଁରେ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ନାଚ ଗୀତରେ ବିର୍ଜୁଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। କୁତ୍ରା ବ୍ଲକ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାରୀ ମଦନ ସିଂଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅମୃତସର ଯାଇଥିବା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ବିର୍ଜୁଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଆସିଛନ୍ତି। ଲାହୋର ଜେଲ୍ରେ 20 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବନ୍ଦୀ ଥିବା ବିର୍ଜୁ ଅକ୍ଟୋବର 26ରେ ଭାରତକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ। ଅମୃତସରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବିର୍ଜୁଙ୍କୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଅମୃତସର ନାରାୟଣଗଞ୍ଜ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର ବିର୍ଜୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 25 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ। ଭୁଲବଶତଃ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ସେଠାକାର ପୋଲିସ। ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ ଧରି ଲାହୋର ଜେଲ୍ରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ବିର୍ଜୁ। ବିର୍ଜୁଙ୍କ ବାପା ମା ଏବେ ଆରପାରିରେ। ପରିବାର କହିଲେ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ, ଭିଣୋଇ ଏବଂ ଭାଣିଜୀ ଅଛନ୍ତି। ଖବର ତ ପାଉଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଯାଇପାରିବାନି, ସେଠି କେମିତି ଯିବା ଆଉ କେମିତି ଆଣିବା ବୋଲି ଆମେ ଯାଉନଥିଲୁ, ଯେ ଦିନେ ତ ଫେରିବେ ବୋଲି ବି ଆଶା ରଖିଥିଲୁ। ଆଉ ଦୁଃଖର ଖୁସି ବି ଲାଗିଲା, ସେ ତାକୁ ଦେଖିକରି ଖୁସି ବି ଲାଗିଲା। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଆମ ଭାଇକୁ ସାଙ୍ଗରେ ପାଇକି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଅନୱାର୍ଡ଼ସ ଆଜିଠୁ କିଛିଟା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସାଙ୍ଗରେ ଅଲରେଡ଼ି କଥା ହେଇଛୁ, କେମିତି ତାଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦିଆହେବ, କେମିତି ମେଡ଼ିକାଲ ଫେସିଲିଟି ଦିଆହେବ, ଆଉ ଅଦର ଥିଙ୍ଗ ଯେତେ ବି ଭୋଟର ଇଏ କାର୍ଡ଼ରେ ନାଁ ହେବ, ଆଉ ଯେତେ ବି ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ଅଛି ଆମେ କରିବୁ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଭଲକି ଆମେ ରଖିବୁ। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାରାକ ଓବାମାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଅନୁଭୂତି ସମ୍ବଳିତ ପୁସ୍ତକ ଦି ପ୍ରମିସ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ରାହୁଲଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏପରି କିଛି କଥା କୁହାଯାଇଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆଲୋଚନା। ଓବାମାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଏ ପ୍ରମିସ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ରାହୁଲ ଜଣେ ନର୍ଭସ୍ ଏବଂ ଅପରିପକ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ ଏପରି ଜଣେ ଛାତ୍ର ଯିଏ ନିଜ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚାହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନିଜ ବିଷୟ ଉପରେ ନା ଦକ୍ଷତା ଅଛି ନା ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ। କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଓବାମା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଚାର୍ଲି କ୍ରିଷ୍ଟ ଏବଂ ରହମ ଇମାନୁଏଲଙ୍କ ପରି ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ କଥା କୁହାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ନାରୀମାନଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସେପରି କିଛି ନଥିଲେ ବି ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ରହିଛି, ଯେପରିକି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ। ପୁସ୍ତକରେ ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମନମୋହନ ସିଂହ ଏବଂ ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ବବ୍ ଗେଟ୍ସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଚ୍ଚୋଟ, ଭଦ୍ର ଏବଂ ନମ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେହିପରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦାରିଦ୍ର୍ୟରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଜୀବନଯାତ୍ରା ଭାରତର କ୍ଷମତା ଏବଂ ପ୍ରଗତିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଛି। ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ୍ଙ୍କୁ ଜଣେ ମଜବୁତ ଏବଂ ଚାଲାକ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଓବାମା। कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता। जब दुनिया के बड़े लोगों ने राहुल जी को की बुद्धिमानी को बराक ओबामा ने जिस ढंग से रखा है कि ये इतने बुद्धिमान हैं, अब मुझे लगता है कि इसके बाद इनके बुद्धि पर किसी को कोई टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है।
अगर सबको मिला के देखे तभी बराक ओबामा ने इनके बुद्धि विलास पर ऐसी टिप्पणी की है। अब भी तो समझ जाए, देश में जो इनकी हो इज्जत मिल रहा था, मिल ही रहा था, विदेश में भी अब इज्जत मिलने लगा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी किताब प्रॉमिस्ड लैंड में राहुल गांधी जी के बारे में जिक्र करते हुए लिखा है कि वो एक ऐसे छात्र की तरह हैं जो कोर्सवर्क तो करता है और अपने टीचर को इम्प्रेस भी करना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें योग्यता और जुनून की कमी है। गलत तो नहीं लिखा है? सोचिए देश की क्या इमेज है उनकी नजर में कि विपक्ष का नेतृत्व कर रहे नेता के बारे में इस तरह की बातें लिखी गई है। लिखा तो ठीक ही गया है, लेकिन कांग्रेस को यह बात समझ आए तब तो। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो वंशवाद और परिवारवाद की प्रतीक बनकर रह गई है। पुस्तक राहुल संपर्क में ओबामा जो कथा लिखिंट ता 10 वर्ष पुराणा यह भितर राहुल गांधी व्यक्तित्व में अनेक पर आसी कांग्रेस नेता तारिक अनवर एथसह से कहते गोटे दुईट साक्षात्कार जनक व्यक्तित्व संपर्क में अनुमान लगवा मुस्किल। देखिए एक तो ओबामा साहब की जो मुलाकात हुई होगी वो मुख्तसर मुलाकात हुई होगी, कोई लंबी मुलाकात तो हुई नहीं होगी। वो उस वक्त राष्ट्रपति थे, तब वो आए थे इंडिया, शायद उसी मौके पर उनकी बातचीत हुई। तो एक एक मुलाकात में या दो मुलाकात में किसी आदमी की क्षमता को आंकना मुश्किल होता है। और जाहिर है कि उस समय आज से 10 साल पहले या 8 साल 9 साल पहले उनकी मुलाकात हुई थी, तो उस वक्त के जो उनका व्यक्तित्व था राहुल जी का, वो आज फ़र्क है। 8 साल में बहुत अनुभव उनको प्राप्त हुआ, विपक्ष में रहने का मौका मिला उनको, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। तो ये जो बात वो कह रहे हैं वो 10 साल पुरानी बात कर रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि किसी के एक एक मीटिंग में, एक मुलाकात में आप किसी की पर्सनालिटी को और किसी के व्यक्तित्व को नहीं समझ सकते। आज अयोध्या पालन हो दीपावली, यह परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराह्नरे रामलला दर्शन करते प्रथम दीप जलाई दीपोत्सवर शुभारंभ करते रामकथा पार्क में पहुंच भगवान श्री राम एवं माता सीता स्वागत करते आ किसी समय मध्य मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सरजू नदी तटे करेंगे आलती आपर दीप लगाई पर आरंभ हो सामूहिक दीप महोत्सव एथर 551,000 दीप लगा जाए पूरा अयोध्या को आलोकित करा जाए छे। एका संगरे एते परिमाणर दीप लगा जाए विश्व रिकॉर्ड करा जाउ छे। स्वाभाविक रूप से हम सबको इन कार्यक्रमों को अपने अपने साथ पूरी मजबूती के साथ जोड़ना है। माँ कौशल्या के नाम पर यहाँ पर जो एक निराश्रित महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए एक सदन का निर्माण होना है, उसकी कार्रवाई आगे बढ़नी चाहिए। भरत जी का नंदीग्राम कैसे हम विस्मृत कर सकते हैं, वहां के विकास को अब पंख लगते हुए दिखाई देने चाहिए, विकास एक नई ऊंचाइयों तक छोटा हुआ दिखाई दे। वे सभी स्थल जो अयोध्या के विकास को देश और दुनिया में पहुंचा सकते हैं उन्हें सरकार आगे बढ़ाने का कार्य करेगी ही। माननीय केशव जी कह रहे थे वे स्वयं श्रृंगवेरपुर से आए हैं, प्रभु राम पहले श्रृंगवेरपुर ही गए थे और श्रृंगवेरपुर के ही विकास के लिए भी हम लोगों ने एक बहुत अच्छी रूपरेखा तैयार की है। भगवान राम जहां जहां गए थे, मैं पिछले दिनों वाल्मीकि जयंती पर वाल्मीकि आश्रम लालापुर गया था। लालापुर को संत तुलसीदास जी के जन्मस्थली के साथ जोड़ने की कार्यक्रम हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। ये सभी कार्यक्रम एक साथ आगे बढ़ेंगे और इन कार्यक्रमों को हम लोग लेकर के जब आगे बढ़ेंगे तो भाइयों बहनों आप ये मान करके चलेंगे कि अयोध्या वैश्विक स्तर पर फिर से प्रभु राम के समय की उस पहचान को एक बार फिर से पुनर्स्थापित करने में हम सब सफल हो पाएंगे। और आज के इस अवसर पर दीपोत्सव 2020 का एक कार्यक्रम चल रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार का एक चतुर्थ दीपोत्सव का कार्यक्रम यहां पर संपन्न हो रहा है। आप सबका सहयोग इन सभी कार्यक्रमों के साथ हम जोड़ने के लिए यहां पर आए हैं। आज के इस अवसर पर इस कार्यक्रम में विगत चौथा ये दीपोत्सव का कार्यक्रम है, तीन दीपोत्सव के कार्यक्रम में
श्री मणिराम दास सावनी के पूज्य महंत और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास के हमारे अध्यक्ष पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज का सानिध्य हमें प्राप्त होता था। आज उनकी अस्वस्थता के कारण वे यहां पर उपस्थित नहीं हो पाए हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद हमारे साथ में है। मैं स्वयं भी उनसे दर्शन करने के लिए हॉस्पिटल में गया था। उनके कृपा पात्र उत्तराधिकारी शिष्य उनके महंत कमल नयन दास जी महाराज यहां पर इस कार्यक्रम में अपनी व्यस्तता के बावजूद आए हैं, मैं इनको हृदय से धन्यवाद देता हूं। हम लोग प्रभु श्री राम से प्रार्थना करें कि वह पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज शीघ्र स्वस्थ हों, उनका आशीर्वाद लंबे समय तक हम सबको प्राप्त हो, अयोध्या वासियों को, सनातन हिंदू धर्मावलंबियों को, सभी नागरिकों को उनका आशीर्वाद पूर्व की भांति प्राप्त हो, यह हम सबकी कामना होनी चाहिए। मैं एक बार फिर से आप सबको मैं इस अवसर पर धन्यवाद दूंगा, डाक विभाग को और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के मान्य कुलपति जी को, जिन्होंने दीपोत्सव पर एक स्पेशल कवर आज यहां पर रिलीज करवाया है। एक अच्छा कार्यक्रम हुआ है, हमें कुछ न कुछ स्मृतियां हर वर्ष की बनानी चाहिए और हर वर्ष इन कार्यक्रमों को जैसे इस बार हमने किया है, अगले बार के लिए हम क्या कर सकते हैं इसकी तैयारी अभी से पहले से ही हमें तैयार रखनी चाहिए। और कुछ न एक इवेंट बनते हैं, सभी हर एक को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होता है, उनको एक नई प्रेरणा प्रकाश प्राप्त होती है, आने वाले लोगों के लिए इन्हें धरोहर के रूप में, विरासत के रूप में सजोने का एक अवसर प्राप्त होता है, हम इन कार्यक्रमों को अनवरत रूप से आगे बढ़ा सकेंगे। आज के इस अवसर पर मैं उन सभी को हृदय से अभिनंदन करूंगा जिन्होंने कोविड 19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इस आयोजन में उन्होंने हर प्रकार से अपनी सहभागिता सुनिश्चित की है। प्रदेश सरकार के हमारे अधिकारीगण हैं, मुख्य सचिव हैं, अपर मुख्य सचिव गृह हैं, अपर मुख्य सचिव सूचना हैं, सूचना विभाग का है, पर्यटन विभाग का है, जल शक्ति विभाग का है, सभी संबंधित विभागों ने अपने स्तर पर, सुरक्षा विभाग है, सभी लोग, गृह विभाग है, सभी लोग इसमें लगकर समस्त रही टॉप 5 8 5 क्विट रखेगा। नमस्कार।